आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय जनरल गुप्ता साहब, आदरणीय ब्रिगेडियर साहब, आदरणीय हमारे शहरी कल्याण अधिकारी रहे, मेरे साथ काम भी खूब किया बीकानेर में शहरी कल्याण अधिकारी जी, महावीर जी, इधर हमारे उप जिला प्रमुख बैठे हैं, इधर हमारे मामला जी, यहाँ के विधायक साहब तो लाडले और प्यारे रात दिन लोगों के बीच में रहते, आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब और शहीद वीरांगना और शहीद परिवार और हमारे और भी शहीद परिवार है, उनको भी सबको मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूं। मैं जहां भी जाता हूं शहीदों के प्रोग्राम में पिछले 21 साल से काम कर रहा हूं, 21 और सब जगह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि शहीद जो है ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा कोई मस्जिद है न कोई मंदिर है। अरे इसलिए कहता हूं कि जितना भी अपने देश है 140 करोड़ का, ये मेरे गढ़ से कोई नहीं बनेगा, इसका आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों में जितने भी देवता विराजते हैं, एक भी देवता का ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि वो देश के लिए कोई शहीद हुआ। तो देवता इसलिए पूजते हैं मानते हैं, चाहे वो मस्जिद में हो चाहे मंदिर में, कि उस जमाने में जब जब कोई देश की धरती में परेशानी आई तो उस जमाने में कुछ लोगों ने देश हित में वातावरण बनाया, कुछ समाज हित में वातावरण बनाया, इसलिए आज उनको अपन देवताओं के रूप में पूछते हैं। लेकिन आज जो शहीद इकराम अली जी की मूर्ति का जो अनावरण हुआ है, वो मूर्ति के तो थे भाई कोई, वो देश के लिए शहीद हुए, इस गांव में पढ़े, यहाँ लिखे, सेना में गए और देश के लिए शहीद हुए। तो व्यक्ति देश के लिए जो शहीद होता है इससे बड़ा कोई देवता नहीं, ये मेरी सोच। मैं इसके साथ साथ मेरा आज आप सब बैठे हुए, गुप्ता साहब भी आ गए और भी फौज के लोग आ गए, आप भी सब लोग इकट्ठे हो गए, ये कोई सही श्रद्धांजलि नहीं है। शहीद को सही श्रद्धांजलि तब होगी कि इनको देवकुले के हिसाब से इनको पूजे, जैसे अपन मस्जिद में जाते निवाज पढ़ने के लिए, इस प्रकार से यहाँ भी निवाज अदा हो, इस प्रकार का काम आप करेंगे कुछ दिन सही श्रद्धांजलि हो, ये मेरी प्रार्थना। इसके साथ साथ मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि गांव में ग्राम पंचायत में चाहे किसी भी जाति बिरादरी का हो, शहीद किसी जाति का नहीं होता है, पैदा किसी जाति में हुआ है, लेकिन शहीद होने के बाद वो देश की धरोहर होती है, देश की पूंजी होती है, इसलिए सबकी जिम्मेदारी उनको देवताओं के रूप में मानना। इसलिए ग्राम पंचायत के सरपंच साहब भी बैठे हैं, आप सब लोगों को भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा सिस्टम बढ़ाइए, बहुत जगह चालू हो गया है ये काम, जब भी कोई आपके गांव से बरात चढ़े तो सबसे पहले तुल्ला यहाँ आए, यहाँ आशीर्वाद ले, उसके बाद में ऐसा बरात रहूंगा, इस प्रकार का काम कीजिए। और दुल्हन लेके वापसी आए तो घर में प्रवेश करने से पहले यहाँ दुल्हा और दुल्हन दोनों आशीर्वाद ले, उसके बाद में घर में प्रवेश करे, इनको धर्म के साथ जोड़ना, जात जरूर उतारना, खुशी गमी में इनको याद करना, ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी। मेरी माता बहने यहाँ पीछे बैठी है, इनकी थोड़ी धर्म के प्रति आस्था भी ज्यादा होती है, मैं आपको विशेष तौर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी कोई गाय भैंस बकरी छोटी मोटी बीमार हो जाए और दूध नहीं दे तो एक बार मेरे कहने से करना, बाकी बाद में आपको फायदा मिले तो करना, एक नारियल ला करके अपने घर पे रख लेना और अपने मन में तय कर लेना कि हमारी ठीक हो जाएगी, दूध दे देगी तो ये नारियल हम शहीद के जाके वहां खिलाएंगे, अब गारंटी से कह रहा हूं आपको इतना बड़ा फायदा मिलेगा जिसकी कोई सीमा नहीं। इस प्रकार से इनको जोड़ना चाहिए ताकि इनका आगे पूजा पाठ चलता रहे, इस प्रकार का काम करना। साल में एक बार परीक्षा आती है, मात्र एक परीक्षा का टाइम आए, सभी हमी भाव विराजमान है, आप लोग सबको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप लोग परीक्षा का टाइम आए, अपने बच्चों को गए मात्र एक बार साल में कि बेटा सबसे पहले नहा धो करके और शहीद के जाके आशीर्वाद लेना, बाद में स्कूल में परीक्षा देने के लिए जाना,
65% बढ़ेंगे, 95% नंबर आएंगे, आप देख लेना इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और आजकल के बच्चे नंबर बहुत बढ़िया ले रहे हैं पढ़ाई में, लेकिन आपको सबको पता है कि बच्चे धीरे धीरे अपने शेष काल में पहुंचे जा रहे हैं। जो बच्चा बेटी बेटा यहाँ करके भोग लगाएगा तो उसके अंदर से ये हृदय परिवर्तन होगा, और जिस बच्चे का हृदय परिवर्तन होता है उसका ऑटोमेटिक माइंड वॉश होगा, और ऑटोमेटिक माइंड वॉश होगा तो 65 वाले के 95% नंबर आएंगे। इसे आप प्रयास करेंगे, इस प्रकार का काम भी आप लोगों को करना चाहिए। धर्म के साथ क्यों जोड़ना चाहिए, इसका एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। आज के 1400 साल पहले पूरे विश्व में कहीं भी निवाज नहीं भरी जाती थी, कोई विश्व में जानता ही नहीं था कि निवाज में कोई चीज होती। लेकिन मोहम्मद के बुजुर्ग जो है वो होशियार थे, एडवांस थे, उस जमाने में उन्होंने इस निवाज को, योगा को हाईजेक करके और उसको निवाज का रूप दिया और अपने पूरे विश्व में समाज को समझाने में कामयाब हुए कि ये 5 वर्ष की निवाज धर्म के साथ जोड़ दी, इसको अदा करना पढ़ना बहुत जरूरी। आप लोग थोड़ा दूर रहो, आप लोग एक बार बोलो मत भाई, क्या आप लोग पांच की बात करने लगा दी, इसलिए निवाज अदा करते हैं। इसका एक उदाहरण दे रहा हूं आप, जिस देश में आप हम बैठे, इस देश में जितनी आबादी हिंदुस्तान में हिंदुओं की है उसके मुताबिक बीमार होके जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं उनका आंकड़ा दे रहा हूं, ना कि भाषण दे रहा हूं। होना चाहिए उसे ज्यादा जाते हैं बीमार हॉस्पिटल में ज्यादा होता है। अपने मोहम्मद भाई से देश में जितनी जनसंख्या उनकी है उसके मुताबिक बीमार होके हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए, उससे कम जाते हैं, बीमार कम होते हैं। जबकि सबको पता है हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादातर गांव में रहते हैं, देसी खाना खाते हैं, खुली आम हवा मिलती है, बीमार होने का कोई कारण नहीं बनता। और अपने मोहम्मद भाई से देश में ज्यादातर शहरों में रहते हैं, खाना खाते हैं, वो सबको पता है, तो कायदा से बीमारी उनको ज्यादा होनी चाहिए, हॉस्पिटल में उनको भर्ती होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कम बीमार होते हैं, कम हॉस्पिटल में जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो एक ही कारण है, एक रामदेव बाबा का आस्था चैनल आता है, आप देखते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं एक बार मेरे घर से देख रहा, उसमें योगा बताते हैं, योगा सिखाते हैं, एक निवाज अदा करने वाले व्यक्ति को बारीकी से देखना, सेम एक चीज है, वो भी योगा है, वो भी निवाज है, वो भी आसन है, कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति 5 बार निवाज अदा करेगा, आसन करेगा, उसको काय के लिए बीमारी लगी वो हॉस्पिटल में जाएगा। भगवान जिसको 100 साल की उम्र लिखे थे और वो इतनी पसीना नहीं निकालेगा 24 घंटे में एक बार, तो तय है उसको 70 साल में जाना। और जो व्यक्ति 5 बार निवाज अदा करेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं वंश के माध्यम से, भगवान उसको 80 साल की उम्र दे तो भी 100 साल पहले नहीं जाएगा। इसलिए इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए, निवाज अदा सबको करनी चाहिए, उसे आसन होते हैं, योगा होते हैं, स्वास्थ्य रहता है, हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता, दवाई नहीं लेनी पड़ती, ये मेरी सबको प्रार्थना है। मैं आपको निवेदन कर दूं कि एक बार मैं आज के 26 साल पहले एक पोइलेर कंट्री है वहां गया, रात को हम खाना खा के सो गए, सुबह वो मकान की मालकिन है वो आपको घुमाने के लिए, मेरे को तो अंग्रेजी आती नहीं है, मेरे एक विनोदी चौधरी है वो आज मेरे साथ है पार्टनर, वो मेरे साथ है। हाईवे रोड पे चल रहे थे, चलते चलते एक लिंक रोड आई और लिंक रोड पे 4 किलोमीटर को अंदर गाड़ी चला करके पेट्रोल पंप हाथ उस पर तेल लिया और वापसी यात्री उसे कवर से चलने लगे। जैसे हाईवे पे चल रही थी तो मैंने एक पेट्रोल पंप देखा, तो मैंने देखा इसने तेल लिया और कोई काम नहीं किया, तो मैंने वो बिनोद जी को कहा, बिनोद जी इस लेडीज ने सिर पे तेल लिया और कोई काम तो किया नहीं, इससे क्वेश्चन करो कि अंदर टू गई मेन रोड पे पेट्रोल पंप में यही चले लेते। बिनोद जी ने कहा, मेरा दोस्त क्वेश्चन कर रहा है जवाब दे। उस लेडीज ने क्या कहा, उसने कहा कि अंदर जो पेट्रोल पंप है वो हमारी कंट्री का है और ये मेन रोड पे पेट्रोल पंप है चाइना का है, इसलिए मैंने अंदर जाके तेल लिया। तो मेरा कहने का मतलब, आज चाहे मोदी जी हो, यहाँ के मुख्यमंत्री जी हो, आप इनसे ये उम्मीद करें कि ये देश 5-7 लोगों की सरपंच साहब हो, प्रधान जी हो, इनके कारण से कोई देश आगे बढ़ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आम आदमी के दिमाग में देशभक्ति आए और वो सोचे कि हमारा देश है, जब ये देश आगे बढ़ेगा।
और उस टाइम पे वो कंट्री अलग बनी थी, जब मैं पोलैंड गया था मैंने मेरी आंखों से देखा, आज तो मोबाइल है सब, मेरा बटन दबाइए चेक कर लो कौन सी कंट्री कब क्या। ब्रेड खाने के लिए नहीं थी उनके पास, रोटी तो वहां बढ़ती नहीं, फ्लाई फ्लाई कर रहे थे, दूसरे देश मदद करते थे जब उनको ब्रेड मिलती। ये हालत मैंने आपको से देखी है। और आज वो कंट्री हिंदुस्तान के बराबर के रेंज से लेके खड़ी करती है 26 साल, जब बिल्कुल कुछ भी नहीं था, जीरो पे खड़े। अरे एक अपना हिंदुस्तान है, जब ये देश आजाद हुआ था उस टाइम पे अमेरिका के बराबर के रेंज से थी, अमेरिका के बराबर। आज अपन कहां खड़े हैं, अपने 84 रुपए अमेरिका का 1 रुपया। यदि हिंदुस्तान का व्यक्ति 10 लाख रुपए लेके अमेरिका चले जाएगा तो 10 रुपए लाना पड़े अपना रुपया, वो भी भट्टी को नहीं। और बैठा को आदमी 1 लाख रुपया ले रहा जाए तो 6 महीना नहीं घूमता, बड़े आराम से आए मिसाल होटलम पधारो साहब हाथ जोड़े खड़े, 1 रुपया का 84 रुपया मिले। तो ये हाल देखो चाहे किसी ने भी किया है, राज किसी ने भी किया, सब समझते हैं। माना कि कोई कभी भी पार्टी की बात नहीं करता, जब कभी हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो ये देश की जनता उस टाइम के नेता हो चाहे ब्यूरोक्रेसी के लोग हो, उनको बच्चे की नहीं मानी आज की क्यों नहीं होता, कहा 1 रुपया कहा 80 रुपया खा कर आगे दिया इस देश को। तो इसलिए देश है तो अपने, आज आप देख रहे हो बच्चा इसराइल।